गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन कंप्यूट BMI व्हिच इज़ बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर योर पर्सनल व्यू एंड फॉर एजुकेशनल व्यू ऑल्सो, इट ऑलवेज कम्स इन एग्जाम एंड फॉर योर लर्निंग ऑल्सो। सो वॉट इज़ बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल्स बॉडी मास डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हिज और हर हाइट। इसका फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, विच आई विल डिस्कस लेटर। BMI प्रोवाइडेड अ सिंपल न्यूमेरिक मेजर ऑफ अ पर्सनस थिकनेस एंड थिननेस। वो पर्सन कितना मोटा है एंड कितना पतला है वो आप इसे निकाल सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज अ नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पर्सनस वेट एंड हाइट। आपको सिर्फ वेट एंड हाइट जानना है जिससे आप किसी भी पर्सन के मोटापे का, दुबलेपन का, सबका पता लगा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। अब कैसे कैलकुलेट करना है वो जान लेते हैं। देयर आर 3 ईजी स्टेप्स। फर्स्ट, मेजर योर वेट इन kg। सेकेंड इज मेजर योर हाइट इन मीटर एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस। BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। यूनिट ऑफ वेट इज kg and unit of height is meter. Suppose I am giving you an example of a person whose weight is 90 kg and whose height is 1.77 meter. I have calculated the inch to meter. Now BMI is equal to weight upon height square. Weight is 90 and height is 1.77 whole square. The answer will be 28.7. Now अब आपको इस नंबर को कैसे पता करना है कि ये थिन है और थिक है या मीडियम है या फिर सीवियरली ओबेस है। सो दिस इज द टेबल इन विच वेट कैटेगरीज आर गिवन एंड बॉडी मास इंडेक्स इज गिवन। सो इफ योर नंबर विल बी 18.5 और बिलो दिस, देन यू आर अंडरवेट। अगर आपका 18.5 आता है और इससे कम आता है देन आप अंडरवेट है, आपकी वेट बहुत कम है। 18.5 से 24.9 आता है देन यू आर हेल्दी वेट, आपका वेट बिल्कुल सही है, परफेक्ट हो आप। अगर आपका BMI 25 टू 29.9 आता है देन यू आर ओवरवेट, आपका वेट गेन हो रहा है, सो यू हैव टू कंट्रोल द वेट। Now, if your BMI comes between 30 to 34.9, then you are obese. बहुत ज़्यादा आप फैट हो रहे हो, so try to. If your BMI is between 35 to 39.9, then you are severely obese. If the BMI comes 40 or above that, then it's morbidly obese. You have to control this, otherwise you can face severe problems such as hypertension or diabetes and many more. So this is body mass index and I have told you that how you can calculate body mass index. आपको मैंने पूरा बताया कैसे calculate करना है and for that मैंने आपको एक example लेके समझाया है। So अगर आप चाहो आप घर में अपना weight and height लेके आप अपना BMI आराम से निकाल सकते हो and उससे आप पता कर सकते हो कि आप overweight हो, underweight हो और obese हो और you are having a healthy weight. So this is all about your body mass index. I hope आपको समझ में आया होगा and आप चाहो तो निकाल के भी देख लो आप। So thank you for watching my video and keep smiling. Thank you.